अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके? आप सब ठीक है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जुमातुल मुबारक है, सबसे पहले आपको जुमा मुबारक हो और हुजूर पाक सल्लम पे दुरूद व सलाम भेजें। तो आज रोटियां बना रहे हैं हम, गैस पे नहीं बना रहे, इसके आगे ये तेज हो गई है आज। तो आज मैं बेलने के बगैर बना रही हूँ रोटियाँ, देखें कैसे बनती हैं रोटियाँ। आज आग पे हम रोटियाँ बना रहे हैं, पहले हम गैस वाले चूल्हे पे बनाते हैं। तो सर्दी ज़्यादा थी, बारिश भी हो रही है, इस वजह से हमने कहा कि चलो आग भी सेक लेते हैं। और रोटियाँ भी सुबह मैंने कपड़े धोए थे इतनी सर्दी में, तो ऊपर से बारिश आ रही है। तो ये देखें मैं हाथ से ही रोटियाँ बना रही हूँ। मैं बेलने से भी बना लेती हूँ, ये मैं हाथ से भी बना लेती हूँ, ठीक है। मैंने कहा जुमा पढ़ने जाना है तो रोटी छोटी बना के दे दूं घर वालों को। ये लकड़ियां भी हमने लेके आए हैं जंगल वगैरह से काट के। मैंने कहा चले आज बना लेते हैं रोटियां चूल्हे पे, साथ साथ आग भी सेकते हैं। और ठंड भी लगी हुई थी बारिश की वजह से, अभी भी बारिश होने वाली है। तो मैं कहती हूँ कि कपड़े ही ना सारे गीले हो जाए, ऊपर से मुझे खांसी भी लगी हुई है। ये बात नहीं मुझसे हो रही, ऐसे लग रहा है कि जैसे मुझे ना अभी अभी खांसी आएगी, बहुत खांसी छिड़ती है मुझे जब छिड़ती है। सर्दियों के मौसम में देखा ऐसे रोटियां बनाती हैं। चूल्हे पे ये है कि जल्दी बन जाती है, गैस पे इतनी जल्दी नहीं होती है बनती। छिड़ गई खांसी। ये देखें ये बहुत जल्दी रोटियां बन रही हैं। अभी मेरी खांसी रुकी है, मैंने स्टॉप कर दिया था, मैंने कहा खांसी कर लो तो फिर जा खांसी करके तो फिर चलाती। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ना हाथ से रोटी नहीं बनानी आती, सिर्फ बेलने से बनाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं हाथ से भी बना लेती हूँ और बेलने से भी बना लेती हूँ, लेकिन जो पराठा होता है ना वो बेलने के बगैर नहीं मुझसे बनता। पराठे में घी लगा होता है वो मैं बेलने से बनाती हूँ, लेकिन रोटी इसके बगैर भी बन जाती है। ये अंगीठी का ये फ़ायदा है ना कि हमने कमरे में लगाई हुई है, इसका बिल्कुल भी धुआं छुआ नहीं आता, तो आराम से बैठा रहता बंदा। और ये जो पाइप लगा हुआ है ना, ये धुआं इससे बाहर जाता है, ये पूरा पाइप लगा हुआ है अंदर, तो इससे धुआं बिल्कुल अंदर कमरे में नहीं होता, ये अंदर ही अंदर धुआं ये अंगीठी जो है ना खींच लेती है। मैंने कहा चले आज इसी से बनाते हैं। तो आप लोग वीडियो जो है वो लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, कोई सब्सक्राइब कर दिया करें, मेरा न्यू चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। सही आग जल रही है इसके नीचे, देखिए ये फायदा होता है लकड़ियों का। गैस तो है लेकिन मैंने कहा चले जल्दी बन जाएगी। आज मैं रोटी बना भी जल्दी रही हूँ क्योंकि जुमा पढ़ने जाना है। मौलवी मस्जिद में आ गए। हमजा ने आज नात नहीं पढ़ी, पढ़ने देगा तो पढ़ेगा ना।
मुझे ना खांसी ने थोड़ी सी कच्ची है। ये हम पानी गर्म करने लगे हैं सिर्फ पीने के लिए। पानी सर्दियों में हमेशा गर्म करके पीना चाहिए। तो इधर ही बैठ के हम खाना शाना खाएंगे। तो ये जो आवाज आ रही है ये हमारा बच्चा नात पढ़ रहा है मस्जिद में। ये देखा, ये नात सुनना हमारे बच्चे की। सालन तो गरम किया हुआ है। आज हम बनाए थे ये मुर्गी और ये चने, मुर्गी और सफेद चने डाल के हमने बनाए थे। ये लीजिए, ये हम खाने लगे हैं अब खाना। तो आप लोगों ने भी खाना है तो हमारे साथ आके खा सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प करें। तो अगली वीडियो तक के लिए फिर मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।